कारण समय सार और कार्य समय सार की अर्थ है निर्वृत्ति की तरफ अपना परिणाम जाना, गुप्तियों में लीन होना, मन वचन काय की चेष्टा को रोकना, पर पदार्थों को अपने उपयोग का विषय नहीं बनने देना, ये कहलाता है कारण समय सार। पर से निर्वृत्ति होना, ज्ञान से, ध्यान से, इंद्रियों से पर पदार्थ के लिए किसी भी रूप में अपने ज्ञान का विषय नहीं बनने देना, ये कारण समय सार। दूसरा, अपने आत्मा के अभिमुख होने का परिणाम करना और अभिमुख होना, जहाँ मन वचन काय तीनों गुप्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं उसको कारण समय सार बोलते हैं। और तीनों गुप्तियों का जो फल मिलता है वह कार्य समय सार कहलाता है। उज्ज्वल कुंदकुन स्वामी ने पंचास्ती काय के अंदर कार्य समय सार सिद्धों में घटाया। जहाँ पर मन वचन काय की तीनों गुप्तियाँ हो जाती हैं, वास्तु रूप से मन वचन काय की पूर्ण गुप्ति चौदहवें गुण स्थान में होती है, तो चौदहवें गुण स्थान तक कारण समय सार है। और चौदहवें गुण स्थान में जैसे सिद्ध भगवान बनते हैं तो कार्य समय सार आता है। सामान्य व्यवहार रूप से कारण का कार्य माने तो शुभ उपयोग जो है वह कारण रूप है, शुद्ध उपयोग कार्य रूप है। शुद्ध उपयोग कारण रूप है, केवल ज्ञान कार्य रूप है। तो इस प्रकार के कारण कार्य की व्याख्याएं कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा की जो स्थिति है चौथे गुण स्थान से श्रद्धा के रूप में आ जाता है। वास्तविक रूप से कारण परमात्मा अरहंत परमिष्टि हैं और कार्य परमात्मा सिद्ध परमिष्टि हैं, ऐसा मानना चाहिए।